Hello, student. I'm your geography teacher, Vivek from California Public School. Are you fine, to all? Be careful. Stay at home. Stay healthy. Today, we discuss here your chapter seventh, climate. In this chapter, we already discuss in previous classes, what is the climate and factor affecting the climate? okay, or here specially we talk about climate of india. in this chapter, we discuss here climate of india. okay, so which factor that affect the climate of india? like uh, distance from the sea, altitude, latitude, jet stream, barrier relief so, so many factor we discussed in last time last previous lecture those are affect the climate of india okay so today we discuss here topic seasons basically season four first is winter summer monsoon or retreating monsoon okay so winter season we discuss today here only one season winter season in detail okay and further

कब स्टार्ट हो रही है तो आपका विंटर सीजन स्टार्टअप फ्रॉम नवंबर टू कंटिन्यू टिल मार्च इट इज द ड्यूरेशन ऑफ विंटर सीजन ऑफ ऑफ दैट फर्स्ट पार्ट विंटर सीजन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ओके तो बी अबाउट फर्स्टली सिंपल फीचर्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन टेम्परेचर लो ओके एंड प्रेशर हाई माइंड ऑलवेज वेन टेम्परेचर लो प्रेशर हाई होता है जहां टेम्परेचर लो हो प्रेशर हाई ऑलवेज टेम्परेचर एंड प्रेशर वो था इनवर्स रिलेशन इनवर्स मीन अपोजिट इफ टेम्परेचर हाई होगा प्रेशर लो होगा इफ टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर हाई होगा बिकॉज वार्म टेम्परेचर होता है उसमें एयर आपकी एक्सपेंड करती है और एक्सपेंड करती है तो एयर आपकी फैलेगी तो उसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज होता है ओके okay? एंड लो टेम्परेचर में एयर आपकी कॉन्ट्रेक्शन होती है कॉन्ट्रेक्शन की जगह सटल होना उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज बढ़ता है ओके सो ऑलवेज कीप इन द माइंड इफ टेम्परेचर हाई प्रेशर लो इफ टेम्परेचर हाई प्रेशर लो ओके अपोजिट टेम्परेचर प्रेशर तो टेम्परेचर लो होता है ड्यूर द विंटर सीजन एंड प्रेशर हाई होगा ओके एंड टेम्परेचर लो प्रेशर हाई ओके एंड स्काई क्लियर होगा

ओके सो फर्स्ट पॉइंट स्काई क्लियर होगा प्लीजेंट वेदर होगा लो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी लो टेम्परेचर लो होता है तो ह्यूमिडिटी लो होगी बिकॉज इफ वार्म एयर इज देयर तो मॉइस्चर पिकअप करती है दैट्स व्हाई मॉइस्चर ज्यादा होता है लेकिन जो एयर ऑलरेडी कोल्ड है वो मॉइस्चर पिकअप नहीं करती है दैट्स व्हाई वो क्या होती है ह्यूमिडिटी लो होती है इन कोल्ड एयर में ओके सो हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर रेंज ऑलरेडी डिस्कस किया था वी फाइंड आउट द रेंज ऑफ टेम्परेचर रेंज निकालने का जो फॉर्मूला है हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर ओके सो इन द विंटर सीजन हाई रेंज हाई रेंज मीन्स कि ड्यूरिंग द डे टाइम आपका टेंपरेचर अबाउट ट्वेंटी ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस पहुंचता है और मिन नाइट टाइम में

Write down any two or three characteristics of winter season. Okay, so temperature, low pressure, high. Okay, sky, clear, pleasant weather, low temperature and humidity, and a high range of temperature or slow and cool northern wind. Okay. So we discuss your third uh, second point: temperature. If we talk about temperature of our country, so it divided India divided into two parts. नदरन और सदरन ओके दिस इज योर ट्वेंटी थ्री एंड डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट ऑलमोस्ट डिवाइड अवर कंट्री इक्वल टू पार्ट नदरन पार्ट और सदरन पार्ट ओके सो यहाँ टेम्परेचर की भी बात करें हम नदरन और सदरन की दोनों में टेम्परेचर बहुत बैरी करता है ओके सो यू नो टू ऑल की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये जो पार्ट है इसको हम ट्रॉपिकल जोन में ये सारा कहा लाई करता है ट्रॉपिकल जोन में ठीक है ट्रॉपिकल जोन में दो एरिया लाइफ बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इन दिस रीजन सर इज ऑलवेज फॉल वर्टिकली और जब यहाँ सर इज वर्टिकली पड़ती है तो टेंपरेचर हाई रहते हैं ओके एंड अदर पार्ट में यहाँ पर पड़ती है टेम्परेचर यहाँ लो रहता है सो

कि आपका जो विंटर सीजन सबसे कोल्डेस्ट जो मंथ होता है वो आपका जनवरी ओके एंड गंगा प्लेन दिस योर गंगा प्लेन पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार एंड वेस्ट बंगाल यहाँ का जो एवरेज टेंपरेचर है वो आपका है ट्वेल्व पॉइंट डिग्री सेल्सियस टू सेवनटीन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस ओके स बेसिकली तो टेम्परेचर यहाँ लो जाता है लेकिन जो एवरेज टेम्परेचर है वो आपका ट्वेल्व पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस टू सेवनटीन पॉइंट फाइव डिग्री है इधर नदर पार्ट ऑफ इंडिया की बात करें ओके अबाउट सदर्न पार्ट तो सदर्न वन थर्ड हैज रेदर वार्मर कंडीशन एंड डज नॉट है डिस्ट्रिकली डिफाइंड वेदर विंटर सीजन this is वन one third part. एंड हियर कंडीशन वार्मर एज कंपेयर टू नदर पार्ट बिकॉज बिकॉज सदर पार्ट लाई ऑन द ट्रॉपिकल जोन यहां सन की रेज वर्टिकली पड़ रही है ओके सो हेयर ऑलमोस्ट जो क्लाइमेट कंडीशन है वो वार्मर रहती है ओके एज कंपेयर टू नदर पार्ट तो हि टेम्परेचर योर टेम्परेचर above the 21 degree celsius above above the 21 degree celsius so in the southern part the isotherm of ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस रन इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन रफली पैरल टू द टॉपिक ऑफ कैंसर व आइसोथर्म आइसो मीन इक्वल और टेम्परेचर आइसो मीन्स इक्वल और थर्म इज टेम्परेचर मीन्स आइसोथर्म क्या है दिस पर्टिकुलर लाइन ओके स्पोज करो इन दिस प्लेस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर

variation in the northern or southern part of india okay northern part temperature below the below 21 degree celsius or in the southern part above the 21 degree celsius okay in the ganga plain temperature 12.5 degree celsius to 17.5 degree celsius okay this is your temperature variation in the northern and southern part of india okay एंड ऑफ दैट वी डिस्कस योर नेक्स्ट पॉइंट प्रेशर एंड विंड ओके सो यू नोट ऑल प्रेशर और विंड इन दोनों में आपस में एक रिलेशन है और रिलेशन क्या है जैसी के फ्री वी ऑर डिस्कस कि टेम्परेचर अगर लो हो तो प्रेशर हाई होता है हम यहां बात करें विंटर सीजन की विंटर so, में टेम्परेचर लो होता है ड्यू टू दैट प्रेशर हाई होता है और विंड ऑलवेज मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड ऑलवेज मूव हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अब हमें यहां समझना जरूरी है कि इंडिया में ड्यूरिंग द विंटर सीजन हमारी विंड जो है कहां से कहां को ब्लो करती है ओके बट बिफोर द विंड हमें प्रेशर चेक करना पड़ेगा प्रेशर कैसा क्रिएट हो रहा है कहाँ पर कैसा प्रेशर दस बार बिना उसके अकॉर्डिंग अपनी विंड मूव करेगी ओके क्योंकि विंड ऑलवेज बेस्ड ऑन प्रेशर ओके ऑलवेज मूव हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ओके इफ यू टॉक अबाउट अवर कंट्री दिस योर इंडिया ओके एंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन सन राइज पर्टिकुलर ऑन द टॉपिक ऑफ कैपरिकॉन एंड सन राइज स्लाइटिंग ऑन द नदर पार्ट ऑफ इंडिया

स नदर पार्ट में टेम्परेचर लो है दस बजे क्रिएट हो रहा है ऑन द लैंड और लो प्रेशर का है ऑन द सी ओके द बिन स्टार्ट ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट ये नॉर्थ डायरेक्शन और यू वेस्ट दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट यहां से आपकी बिन स्टार्ट होती है मूव करना ओके एंड यू नोट वी डिस्कस द लेफ्ट साइड कि हमारी विंड की डायरेक्शन में चेंज होती है नदर हेमेस्फेयर दट द राइट साइड तो इनका राइट का उनकी डायरेक्शन आफ्टर दैट नॉर्थ ईस्ट ओके दिस योर डायरेक्शन ड्यूरिंग द विंटर सीजन थ ई ईस्ट टू साउथ वेस्ट ओके ड्यूरिंग द विंटर सीजन अब जस्ट सी दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड डू नॉट कॉज मच रेफॉल यू वी स्टार्ट लैंड टू सी इफ यू वी स्टार्ट लैंड फ्रॉम द लैंड टूवर द सी टू यू रेफॉल नहीं करेगी वेरी लेस रेफॉर करेगी सो डू नॉट

डू नॉट कॉज मच रेफॉल तो हमारे इंडिया में पार्ट ऑफ प्रेशर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में टू मार्क्स काट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसिज ओके एंड नेक्स्ट का जो समझाता है कि आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देदर कंडीशन ड्यूरिंग गेट डिस्टर्ब बाय द शेलो साइक्लोनिक डिप्रेशन आरसो नोन एज बेस्टर्न डिस्टर्बेंस द फाइन वेदर कंडीशन बिच प्रिवेयर ड्यूरिंग विंटर सीजन मीन जैसी है ये जो है इंडिया का नदन पार्ट नदन और वेस्टर्न पार्ट ड्यूरिंग द विंटर सीजन यहां पर हमारी प्लीजेंट वेदर कंडीशंस होती हैं, मींस अच्छी होती हैं ओके सुहबना अच्छा सा मौसम होता है लेकिन इस वेदर कंडीशंस को कुछ ऐसी चीजें हैं कुछ ऐसा साइक्लोन है जो डिस्टर्ब कर रहा है इसके प्लीजेंट वेदर को और उसी साइक्लोन को नाम दिया उन्होंने वेस्टर्न डिस्टरबेंस ओके

स uh, okay, okay? so, के इट इज अ टाइप ऑफ साइक्लोन जो कि डिस्टर्ब कर रहा है किसको हमारे नॉर्थ बेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के प्लीज एंड वेदर को ओके okay? सो so, Uh, why we call this Western? Because they come from best. West. Okay, so we start here. They originate over the Mediterranean Sea and travel eastward across West Asia, Iran, Afghanistan, and Pakistan before they reach the northwestern part of the country. Just see here carefully. These Western disturbances originating in the Mediterranean Sea, after that, they cross Iran, Iraq. अफगानिस्तान पाकिस्तान रिच इन अवर कंट्री इन इंडिया ओके सो इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को हम एक मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे जो सी केफली दिस इज योर वर्ल्ड मैप दिस इज योर यूरोप अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड द साइड दिस इज योर एशिया कॉन्टिनेंट ओके सो so, यूरोप uh, और अफ्रीका का जो वाटर बॉडी जो सेपरेट करी दोनों को कॉल्ड मेडिटेरियन सी ये मेलटेर सी है ओके okay? यहाँ पे एक साइक्लोन ऑरिजिनेट होता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन और यही साइक्लोन जो मूव करता है टूवर्ड्स द ईस्ट साइड ओके एंड आफ्ट दैट ये इंडिया में पहुंच के इसका जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ वहां के वेदर को जो प्लीजेंट वेदर था उसको डिस्टर्ब कर रहा है इसको नाम दिया हम बेस्टर डिस्टर्बेंस तो है क्या बेस्टर डिस्टर्बेंस इट इज अ साइक्लोन originating in the Mediterranean Sea and move eastward side and cross the Iran, Iraq, Afghanistan, Pakistan and after that it reach in India. Okay, it's called Western Disturbance. Okay, so Western Disturbance it is a cyclone originating in the Mediterranean Sea and move eastward side and reach in the north part of India and it disturb the fine weather conditions

तो यहाँ से वो पिकअप कर रहे हो आगे यहाँ पर हैवी रिफॉल रहेगा है। जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा रेनफॉल कम होती जाती है लेकिन जब क्रॉस कर रहा है तो इन बिटवीन इसके नदर पार्ट में यहाँ पर आपका सी है और डॉम्बर्ड यहाँ पर पर्शियन गल्फ है ओके सो वे इट क्रॉस द सी और पर्शियन गल्फ इट पिकअप द मोशन अगेन एंड ऑफ द इन द नेक्स्ट कंट्रीज ओके मीनस यहाँ से जो मोशन कर यहाँ पर हैवी रिफॉल कर रहा, है, कर रहा है, तो मोश्चर डिक्रीज हो रहे हैं लेकिन जब ये क्रॉस करता है कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ को तो ये ऑगमेंटेड मीन अगेन मोशन इंक्रीज करता है ओके तो ऑन देर वे देर मोशन कॉन्टेंट गेट ऑगमेंटेड वेन दे ब्लो ओवर द कैस्पियन सी इन द नॉर्थ एंड पर्शियन गल्फ इन द साउथ ओके द डिस्टर्बेंस इज कॉज इन देर वे लाइट रेनफॉल

जो भी क्रॉप्स आपकी विंटर सीजन में क्रॉस हो रही ग्रो हो रही है उन क्रॉप्स के लिए ये हाईली बेनिफिशियल होता है और रबी क्रॉप्स में जो मेन क्रॉप्स है योर ओके okay? तो इट इज अ अली बेनिफिशियल टू द रबी क्रॉप्स स्पेशली द दीट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट इज द बेनिफिट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओके सो इट इज अ हाइली बेनिफिशियल टू द रबी क्रॉप्स स्पेशली इन वीट प्रेसिप्टन इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेनफॉल इन द्लेन एंड हैवी स्नो फॉल इन देश हिमालय अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये जो हमारे फाइन वेदर को डिस्टर्ब करी उसकी वजह से हमारा जो प्लेन एरिया है यहाँ पर लेटर रेनफॉल होती है और जो हिमालय रीजन वहां पर हैवी स्नोफॉल होती है ड्यू टू दस्टर्न डिस्टर्बेंस इज द इफेक्ट ओके एंड द प्रेसिपटेशन व मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉलिंग ऑफ वाटर इन एनी फॉर्म फ्रॉम द स्काई स्काई से जो पानी नीचे गिर रहा है किसी भी फॉर्म में चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो मीन रेनफॉल हो स्नोफॉल हो किसी फॉर्म में जब वाटर तो मीन द प्रेसिप्टन गोज ऑन डिक्रीज फ्रॉम बेस्ट टू ईस्ट जब बेस्ट विंड जो है बेस्ट टू ईस्ट जा रही है तो ये रेनफॉल जो है वो डिक्रीज होती जाती है ओके सो दिस टॉपिक western disturbance meet it is a cyclone originating in the Matrix Sea and move eastward side and reach in the northwest part of India and disturbing the fine weather conditions. or It is highly beneficial for the cultivation of ravi crops, especially wheat. Okay, or due to this Bastion disturbance, little rainfall in the Nether Plain and heavy rainfall, heavy snowfall in the Himalayan region. Okay, and this rainfall decreases when it moves.

Okay, so during the winter season, your wind start land to sea. That's why do not cause much rainfall. Okay, so these wind pick up the some moisture while crossing the Bay of Bengal. Just see here, this is your Bay of Bengal. So some branch of northwest cross the Bay of Bengal and pick up the moisture and enter again. इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया ओके और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में स्पेशली तमिलनाडु साउथ आंध्र प्रदेश सम पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड पार्ट ऑफ केरला में ये रेफर करती हूं ड्यूरिंग द विंटर सीजन ओके फर्स्ट पॉइंट के विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी सो डू नॉट कॉज मच रिफॉल एंड वन ब्रांच ऑफ दीज बीन cross the bay bengal and pick up the moisture and again enter in the southern part of india or it occur rainfall in the tamil nadu southern part of andhra pradesh of that karnataka or some part of kerala okay